अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटा स्पाइसी डिलीशियस जूसी चिकन फ्राई, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। चिकन फ्राई तो हम बहुत बार बनाते हैं, लेकिन एक बार इस तरह से बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मैरिनेट तैयार करेंगे। एक मिक्सिंग बाउल में हम एक तिहाई कप गाढ़ा दही लेंगे। दही एकदम गाढ़ा होना चाहिए, इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून फ्राई किया हुआ प्याज। इसको ज़्यादा मत डालिएगा, कम ही डालिएगा, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और एक मुट्ठी धनिया पत्ती डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे कुछ पाउडर मसाला लिया है मैंने। एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर है, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर है, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर है, एक तिहाई हल्दी पाउडर है, एक टीस्पून नमक है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और 2 टीस्पून नींबू का रस डालेंगे। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब डाल देंगे इसमें चिकन। बहुत बड़े पीसेस नहीं लेंगे चिकन के, और थोड़े बहुत जो बड़े पीसेस हैं आप उसमें कट भी लगा सकते हैं। और अब हम खूब अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर देंगे और कम से कम इसको 1 घंटा मैरिनेट कर लेंगे। ज़्यादा भी कर सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिएगा ज़्यादा देर करना चाहते हैं तो। अभी मैं इसको 1 घंटा मैरिनेट करूँगी और फिर हम इसको कुकिंग करेंगे। चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब एक पैन के अंदर हम तकरीबन 1/3 कप तेल गरम कर लेंगे और तेल के गरम हो जाने पर हम इसमें चिकन डाल देंगे और हाई फ्लेम पर ही हम इसको इस तरह से फ्राई करेंगे। ये जो जूसी चिकन फ्राई है इसको हाई फ्लेम पर ही आपको पकाना है और ढकना नहीं है। हम इसको अगर ढक देंगे तो दही और चिकन बहुत सारा पानी छोड़ देगा और फिर चिकन अंदर से ड्राई हो जाएगा। तो बस हाई फ्लेम पर इसको हम चलाते हुए पका लेते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए, और चिकन खूब अच्छे से पक भी गया है, फ्राई भी हो गया है, और जो मसाला है उसमें खूब अच्छे से लिपट भी गया है। इसी तरह का हमें चिकन चाहिए है। अब हम इसमें एक प्याज को इस तरह से स्लाइस में लच्छों में काट कर डालेंगे। साथ में इसमें धनिया पत्ती डालेंगे एक मुट्ठी के करीब और थोड़ा सा इसको और फ्राई कर लेंगे जिससे कि प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। तो 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर और फ्राई कर लेंगे और यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार चटपटा स्पाइसी जूसी चिकन फ्राई बनकर तैयार है। इस टाइम आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिएगा, एकदम लास्ट में डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। आप इसको एज ए स्टार्टर सर्व कर लें या फिर राइस वगैरह के साथ सर्व करें, ये बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसमें 1/2 नींबू का रस डाल देंगे, थोड़ा सा प्याज के स्लाइसेस और हरे धनिया के पत्ते से इसको गार्निश कर लेंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, कम टाइम में बहुत ही बेहतरीन चिकन तैयार हो जाएगा और बहुत ही जूसी होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन फ्राई की मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कैसा बना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।